A very good afternoon, students. Beta, in yesterday's class, we have done the topic o'clock and half past. Okay? But in this class, we will do the topic quarter past. Beta, ध्यान से सुनना है. What is quarter past? Quarter past का means जब किसी भी time के 15 minutes बीत जाते हैं. That is called quarter past. जब 15 minutes बीत जाते हैं, ये देखो clock पे आप देखो 5 minutes यहाँ पे. 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15. इट मीन्स जब भी क्वार्टर पास्ट बोला है या डिजिटल टाइम में पॉइंट 15 लिखा है तो आपने जो आपकी मिनट हैंड है वो आपने 3 पे ड्रॉ करनी है. लॉन्ग हैंड है ओके और जो शॉर्ट हैंड है जो टाइम हमें गिवन है उसी पे आप ड्रॉ करोगे. इट मीन्स दिस इज 5:15. डिजिटल टाइम में आप इसको 5:15 बोलोगे और अदरवाइज आप इसको एनालॉग में आप इसको क्वार्टर पास्ट 5 बोलोगे. ओके बेटा लेट्स डू वन मोर एग्जांपल फॉर दैट. 12:15 टाइम इज गिवन 12:15 और क्वार्टर पास्ट 12. आई हैव सीन क्वार्टर पास्ट ओवर हियर फॉर क्वार्टर पास्ट और अगर मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स देख लिए तो मैंने क्या किया अपनी जो मिनट हैंड है जो लॉन्ग हैंड है वो 3 पे ड्रॉ कर दी. ओके जो आर हैंड है वो जो नंबर गिवन है वही हमने ड्रॉ करनी है. ओके और जो हमारी आर हैंड है बेटा वो स्मॉल होनी चाहिए. सी द डिफरेंस मेरी क्लॉक में दिखाई दे रहा है जो 12 वाली है जो हैंड है वो आर हैंड है वो स्मॉल है और थोड़ी सी बोल्ड है थोड़ी सी मोटी बना लेना ठीक है ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि शॉर्ट हैंड कौन सी है और लॉन्ग हैंड कौन सी है. ओके दिस इज 12:15 यहाँ हम इसको बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 12. नाउ लेट्स रिवाइज यस्टरडेज टॉपिक ऑल्सो. यस्टरडे वी हैव डन 6 o'clock. ओके मैंने आपको कल भी बताया था बेटा जब भी ओ क्लॉक आ गया या डिजिटल टाइम में 00 आ गया तो आपने जो मिनट हैंड है वो 12 तक पर ड्रॉ करनी है. ओके और जो आपको नंबर दिया है टाइम दिया है आर दिया है वो हमने एज इट इज़ ड्रॉ करना है. अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो आपकी आर हैंड है वो थोड़ी बोल्ड होनी चाहिए स्मॉल होनी चाहिए और बोल्ड होनी चाहिए. ओके नेक्स्ट इज हाफ पास्ट 9. ठीक है जैसे क्वार्टर पास्ट जब हम रीड करते हैं तो हम अपनी जो मिनट हैंड है वो 3 तक ड्रॉ करते हैं. ऐसे जब हाफ पास्ट आ जाएगा या डिजिटल टाइम में 30 आ जाएगा तो आपने क्या करना है जो आपकी मिनट हैंड होगी वो 6 पे ड्रॉ करनी है. ओके अब जो टाइम दिया हुआ है हमारे पास टाइम दिया हुआ 9 हाफ पास्ट 9 ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप. हाफ पास्ट 9 में आपने क्या करना है 9 और उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है 10 उसके मिडल में आपकी आर हैंड आनी चाहिए. ओके सी माई क्लॉक इसमें देखो जो 9:30 हुए हैं हाफ पास्ट 9 हुए हैं तो मेरी जो आर हैंड है वो 9 और 10 के मिडल में आई है. ओके ध्यान से देखो और मैंने बोल्ड भी बनाई है ताकि क्लैरिटी रहे. ओके नाउ बेटा वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड डू द सम्स. थैंक यू हैव अ नाइस डे.